नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटीमा में भारतीय किसान यूनियन का सम्मेलन संपन्न, ब्लॉक कार्यकारिणी का हुआ गठन। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसवानी का धामी सरकार पर निशाना, कहा बिना दांत और बिना नाखून के एक पंगु मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। जसपुर में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने आयोजित की बैठक, बूथ लेवल पर भाजपा को मजबूत बनाने पर दिया जोर। किच्चा में SSP दिलीप सिंह कुंवर के निर्देश पर पुलिस चला रही है नशा मुक्ति अभियान, 46.52 ग्राम स्मैक के साथ दो युवकों को किया गिरफ्तार। राजधानी देहरादून में डेंगू के नाम पर भी चिड़ी राजनीति, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कोविड के बाद अब डेंगू के लिए सरकार और नगर निगम नहीं है गंभीर। रुड़की के जलालपुर गाँव में काफी लंबे समय से बनी हुई है जल भराव की समस्या, राहगीर गिरकर हो रहे हैं चोटिल। हल्द्वानी में एक घंटे की हुई बरसात के चलते शहर की सड़कें हो गई जलमग्न, पानी में डूबे सड़कों के वाहन। पौड़ी गढ़वाल में वीर बाला तीलू रौतेली की जयंती पर 22 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को तीलू रौतेली पुरस्कार से किया गया सम्मानित। चाय की दुकान चलाने वाली अंजना रावत को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया पुरस्कृत। प्रदेश भर की आशा कार्यकर्त्रियों ने राजधानी देहरादून में निकाली विशाल रैली, प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। उत्तरकाशी में लंबे समय से आंदोलन कर रही आशा कार्यकर्त्रियों ने किया अपना आंदोलन तेज, कहा मांग पूरी नहीं की तो आमरण अनशन करने पर होंगी मजबूर। उत्तरकाशी के आजाद मैदान को खेल और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए इस्तेमाल किए जाने को लेकर व्यापार मंडल और अन्य संगठनों ने जिला अधिकारी मयूर दीक्षित को सौंपा ज्ञापन, कहा मांग पूरी नहीं की गई तो 25 अगस्त से आमरण अनशन करने को होंगे बाध्य। आगरा जिले में बाढ़ से गांव के तालाबों में पहुंचे मगरमच्छ, ग्रामीणों में मची दहशत। मेरठ में पत्नी ने 5 लाख रुपए में किया पति की मौत का सौदा, रची हत्या की पूरी साजिश। गाजियाबाद में साइबर सेल की टीम ने फर्जी आईडी बनवाकर ATM और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले 4 ठगों को किया गिरफ्तार, 5,02,000 रुपए नगद संग एक कार और 23 ATM कार्ड किए बरामद। 26 अगस्त से शुरू होकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 3 दिवसीय दौरा, 29 अगस्त को जाएंगे अयोध्या। राजधानी लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी ने मनाई काकोरी ट्रेन एक्शन की 96वीं वर्षगांठ, क्रांतिकारियों को अर्पित की पुष्पांजलि। अमरोहा के युवा चित्रकार जुहेब खान ने कोयले से दीवार पर चित्र बनाकर किया ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा का भारत लौटने पर स्वागत, कहा उनका स्वागत एक अनोखे ढंग से कर रहा हूं। यूपी की सबसे बड़ी डिफॉल्टर कंपनी में CBI ने सीज किए 2200 दस्तावेज, निदेशकों से की जा रही है पूछताछ। वाराणसी में चलती ट्रेन पर गिरा पेड़, OHE तार टूटने से इंजन क्षतिग्रस्त। और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साधा भाजपा पर निशाना, कहा अंग्रेजों की तरह भाजपा भी करती है सामाजिक विघटन का प्रयास। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।